हाय एवरीवन, स्वागत है सभी का क्रेजी फॉर फिजिक्स में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिस्कस भी करेंगे, नया चैप्टर भी करेंगे। बिल्कुल, देखो इलेक्ट्रोस्टैट तो खत्म हो चुका है, पहला पार्ट, ओके, यानी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट का खत्म हो चुका है। ये अब सेकेंड चैप्टर है, लेवल टू कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैट का, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किए थे। तो भाई फर्स्ट चैप्टर आपका क्लास 12th का खत्म हो चुका है, जिसमें मैंने वेरियस काइंड ऑफ यानी डिफरेंट पैराडाइम से न्यूमेरिकल्स कराए हैं। और लास्ट वाली वीडियो तो टोटली न्यूमेरिकल पे बेस्ड है, जो 17-18 इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी के लगभग सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कवर कर रखे हैं, तो जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब चलिए, अब हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और फिर इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए इसमें भी सेम ऐसी 6-7 लेवल्स होंगे, जिसमें मैं एक एक टॉपिक करके डिस्कस करूंगा, और उसमें बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। कुछ भी छूटे ना आप लोगों का, ठीक है, और कुछ भी रह ना जाए, वो सारी चीजें हम यहां पर सीखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार टॉपिक को, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए लास्ट टाइम भी मैंने जैसे अब तक बताते आ रहा हूं, किसी भी चीज को जानने का सबसे पहला तरीका होता है कि भाई उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, आज हम यही देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इसकी यूनिट क्या है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन का लेना देना क्या है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है, और फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इन्हीं के अंदर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और देखो ये ऐसा टॉपिक है शुरुआत में जो आज मैं कराऊंगा, यहीं से एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा चैप्टर मैंने देखा है जहां पे एक्चुअली में चैप्टर की शुरुआत से ही एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि भाई जो एग्जाम में न्यूमेरिकल के सवाल पूछ लेते हैं, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो मोस्टली तो चैप्टर के भाई 2-3 टॉपिक के बाद स्टार्ट होते हैं, या फिर एंड में जो 3-4 टॉपिक होते हैं वहां से उठा के कुछ भी पूछ लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप जो आज पढ़ोगे, जो पहला टॉपिक इनिशियली आप पढ़ोगे, वहीं से उठा के सीधा एक एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या डिस्कस कर रहे हैं आज हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको हम वी से डिनोट करेंगे। देखो पोटेंशियल आप कई तरीके से पढ़ोगे इस पूरे 12th क्लास की जर्नी में, ठीक है। आप पहला पोटेंशियल तो आप यहां पे देख रहे हो, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी यहां पे आ जाएगा, यही है, ठीक है। और दूसरा पोटेंशियल आप थर्ड चैप्टर में दिखोगे, यानी इसका नेक्स्ट चैप्टर जब इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम ईएमएफ भी एक अनदर काइंड ऑफ पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल जो यहाँ पे अप्लायंसेस है लाइक रेजिस्टेंस वगैरह, उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है वो भी हम निकालेंगे। इस तरीके से हम और एक और अनदर पोटेंशियल देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में होता है ईएमएफ जनरेटेड वाला, वर्चुअल ईएमएफ हम बोल सकते हैं। फिर एक और पोटेंशियल आएगा जो हम एसी वाला पढ़ेंगे, ठीक है, एसी वाला जब हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर में आएगा, एसी डीसी जनरेटर, एसी और डीसी करंट जब आप पढ़ोगे, ठीक है, एसी डीसी वोल्टेज जब आप पढ़ोगे तो वहां पे भी पोटेंशियल आएगा। तो भाई कई तरीके की इस पोटेंशियल के रूप हैं, लेकिन लेकिन आप कह सकते हो फंडामेंटली फिजिकली, ठीक है, जो आज हम यहां सीखेंगे समझ लो कि यही एनालॉगी लॉगस है सारा का सारा जो भी आप पढ़ोगे, और मतलब ऑलमोस्ट यही चीजें होंगी। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं गवाते, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, सबसे आसान डेफिनेशन इसकी ये है, सबसे आसान डेफिनेशन, सबसे इजी डेफिनेशन है, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ऐसी डेफिनेशन आप शायद सुनी सुनी से लग रही है, बिल्कुल जी हां, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन थी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, ऐसे यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये भी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब देखो यहां से इंटरेस्टिंग दो बातें सामने निकल के आती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों आपस में लिंक है, ठीक है, दोनों इंटरलिंक्ड है, यानी कि आपस में रिलेटेड है। ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ, आई थिंक यहां से थोड़ा अंदाजा लगता जा रहा होगा, ठीक है, दोनों इंटरलिंक है। दूसरी बात, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं,
यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आप कह सकते हैं चार्ज के चारों तरफ जो रीजन है, जो स्पेस है, अगर आप इसको डिफाइन करते हो तो इसको आप दो तरीके से डिफाइन करते हो। एक तो आप डिफाइन करते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में, ठीक है, जो कि आज हम यहां पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा आप डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यानी कि हम जो भी रीजन है, जो भी स्पेस है इस चार्ज के अराउंड, उसे हम दो पार्ट में सोच सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक भी है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए पहले तो हम इसको जानते हैं। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है ये। यानी कि यहां पे जो पोटेंशियल होगा, आप इसको सिंपल ऐसे लिखना, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। क्या लिखोगे? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। आप ये टेस्ट चार्ज बस लिख दिया जाता है, कोई भी चार्ज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि टेस्ट चार्ज ही हो, ठीक है, कोई भी चार्ज हो सकता है। ओके, अब देखिए यहां से इसकी जो यूनिट निकल के आ रही है, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, इस पोटेंशियल की? एसआई यूनिट वर्क डन की जूल होती है और चार्ज की कूलम्ब होती है। तो एसआई यूनिट तो हो गया जूल पर कूलम्ब। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम्ब। और बड़ा फेमस है ये वोल्ट, ठीक है, अलेसांद्रो वोल्टा, वोल्टास ऐसे कुछ नाम है उनका, साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर पे इसका रखा गया था वोल्ट, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट के नाम पे ऑनर है, अलेसांद्रो वोल्टास कुछ नाम है उनका, ठीक है, तो उनके नाम पे इसका नामकरण रखा गया, यानी इसकी यूनिट को डिफाइन किया गया साइंटिस्ट के नाम पे, जैसे पास्कल है ना, इस तरीके न्यूटन के पे नाम पे न्यूटन का फोर्स की यूनिट न्यूटन रख दिया, वैसे यहाँ पे वोल्ट इसकी एसआई यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और जूल पर कूलम्ब आप लिख सकते हो। वैसे ये आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके, यस 10वीं कक्षा में आप ये सब पढ़ते आए हो, ठीक है, ये डेफिनेशन 10th क्लास वाली ही है, ठीक है, डेफिनेशन 10th क्लास वाली है। तो सर 12th क्लास वाली कौन सी डेफिनेशन है, वो भी डिस्कस करेंगे भाई, 12th क्लास वाली भी करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ी और बेसिक बातें देख लेते। 10th क्लास में आपने इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ी थी, जैसे अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपसे बोला जाए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाओ तो क्या बताओगे भाई? जूल का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और चार्ज पर यूनिट, यानी चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, एम्पियर इंटू में टाइम, है ना, ऊपर क्या माइनस वन है, तो यहां भी माइनस वन और यहां भी माइनस वन आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये क्या हो गया वोल्ट का, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है। क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब यहां पर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मेक श्योर ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी स्पेस रीजन जो है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, जो रीजन किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज का पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, कि जो चार्ज है उसकी कितनी, किसी भी एक पॉइंट पर एक चार्ज कितना फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल क्या है, वो कितना वर्क डन एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन करवा सकता है। तो ये सब एक्चुअली में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जानते हैं। पोटेंशियल का मतलब ही क्षमता होती है, यानी एक चार्ज की क्षमता आप कह सकते हो, एक चार्ज की क्षमता क्या होती है, ठीक है, यानी क्षमता का मतलब क्या है कि भाई कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल, कोई भी अगर ऐसा चार्ज इस चार्ज रीजन में एंटर कर जाए, तो इस चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल है कि वो इस पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए, ठीक है, या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाए, यानी या तो इस चार्ज को अपनी ओर खींच ले अगर अपोजिट चार्ज है, या इस चार्ज को रिपेल कर सके, तो भाई कितना फोर्स के साथ रिपेल कर सकता है, कितनी फोर्स का अट्रैक्ट कर सकता है, या आप कह सकते हो इस चार्ज की पोटेंशियल से हम इसको मेजर करते हैं। लेकिन हम पोटेंशियल से इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, कि भाई इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड इसके चारों तरफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यानी बिल्कुल वैसी है भाई, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटर लिंक्ड है, ठीक है। चलिए तो भाई ये कुछ बातें हैं, दोबारा से रिकैप कर लेते एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, यानी ऐसा यूनिट जूल पर कूलम्ब होती है, वोल्ट होता है वो, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बड़ी बेसिक बात है, लेकिन अब आपसे बोला जाए कि भाई
ट्वेल्थ क्लास, आपने सोचा होगा ट्वेल्थ क्लास वाली डेफिनेशन क्या है सर, वो हमें जाननी है। तो ट्वेल्थ क्लास की डेफिनेशन भी यही है, लेकिन थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म में जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो आप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो मॉडिफाइड फॉर्म में क्या है इसकी डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, और कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है, नॉट इवन टेस्ट चार्ज, अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू डेट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू डेट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है, लेकिन इसको हम कहां पे यूज करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जब हम डिफाइन करेंगे, जब हम उसकी डेरिवेशन करेंगे तब हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप ये बात समझो। अब देखिए इससे आगे आपको क्या समझना है, जो मुद्दा है वो याद रखने वाला वो बहुत जरूरी है। देखिए यहां पे आप ये बात याद रखोगे, जो वर्क डन होता है, वर्क डन का मतलब कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, किसी भी प्रकार की एनर्जी है, यानी वर्क डन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वर्क डन होता है सिंपल चार्ज, क्या लिखोगे, चार्ज इनटू में पोटेंशियल, ये बात आप दिमाग में बैठाओगे हर हाल में, क्योंकि एग्जाम में, ठीक है, किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है उसमें इसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन होता है, ओके, ये बात ध्यान रखना, इस बात को पकड़ना है जब भी आगे जब हम ड्राइव करेंगे डेरिवेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, थ्री चार्ज, फोर चार्ज, मल्टीपल चार्ज की वजह से जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करेंगे, ठीक है, तब उसमें इस तरीके की डेफिनेशन बहुत जरूरी है। तो दिमाग में पहले ये बात बैठाओ और इसका मतलब समझो, मतलब क्या है इसका, कि भाई अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये कौन सा चार्ज है जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं, ये वाला कौन सा चार्ज जो हम बाहर से खींच के लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो चार्ज है ये, ठीक है, बाहर वाला चार्ज, ये एक्सटर्नल चार्ज आप कह सकते हैं, इसलिए हमने इसको टेस्ट चार्ज बोल दिया था, ठीक है। और इनटू में पोटेंशियल, ये कौन सा पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है जो सोर्स चार्ज किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मान लो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, लेट कर लो, और इसको हम क्यू वन कह देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और यहां पे हमने इस चार्ज क्यू को लेके आए कहां से, इंफिनिटी से, इस पॉइंट पी पर इंफिनिटी से हम एक चार्ज लेके आए। अब क्या करेंगे, ये जो चार्ज है इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पोटेंशियल जनरेट करेगा, है ना, ये चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल जनरेट करेगा, पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सपोज वी हो गया, ओके, तो इंफिनिटी से इस पॉइंट तक इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगा वो ये है, यानी जो चार्ज हम बाहर से खींच के ला रहे हैं, ठीक है, वो, और इनटू में जो पोटेंशियल सोर्स चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये पोटेंशियल ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा जब हम ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो ये थोड़ा सा दिमाग में बैठाने वाली बात है। अब जो इसमें नेक्स्ट है वो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन का और क्या क्या लेना देना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको लिख देते हैं आज, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये हम देख रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, नाम में आ रहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डिफरेंस इन द पोटेंशियल, यानी कोई भी दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल का अंतर है। अब मान लो कोई सोर्स चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू, ठीक है, ये कोई भी सोर्स चार्ज प्लस क्यू है, और यहां पे इस चार्ज से इस पॉइंट बी और इस पॉइंट ए पर, पॉइंट बी और ए पर कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, इसको आप चाहो तो ए बी लिख लो इस तरीके से, ए बी, राइट। तो देखिए अब ये जो चार्ज है यहां पे कुछ और पोटेंशियल होगा, ठीक है, और इस पॉइंट पर कुछ और पोटेंशियल होगा, जो चार्ज है, ठीक है, इसका पोटेंशियल यहां पर कुछ और होगा, और थोड़ा चार्ज से और दूर चले जाएंगे तो पोटेंशियल कुछ और होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है।
अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब डिफरेंस इन दिस पोटेंशियल, लेकिन इसको डिफाइन करने का थोड़ा अलग तरीका होगा। हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट बी से ए तक एक टेस्ट चार्ज लेके जा रहे हैं, इस पॉइंट बी से ए तक एक टेस्ट चार्ज लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें वर्क डन में डिफाइन करना है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी। देखो वी ए बी का मतलब जो पोटेंशियल ए पर है और माइनस पोटेंशियल बी पर, तो वी ए माइनस वी बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, थोड़ा समझो। वी ए बी का मतलब हो गया वी ए माइनस वी बी यानी पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। अब इसके आगे देखिए, अब यहां पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे अब यहाँ पे दो तरह के वर्क है। पहले तो हम बात करें एक्सटर्नल वर्क डन की, तो यहाँ पे जो ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमने भी क्या लिखा था कि भाई वर्क डन हम कहां से ला रहे हैं चार्ज को, बी से ए तक चार्ज को लेके आ रहे हैं, कहां से, फ्रॉम बी टू ए, ऐसे समझना, फ्रॉम बी टू ए हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो डब्ल्यू बी ए ये कौन सा वर्क डन है, ये है एक्सटर्नल वर्क डन। कौन सा, ये एक्सटर्नल वर्क डन होगा, कौन सा होगा, एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी ये जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा है। कौन सा वर्क डन है, ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होगा और अपॉन में टेस्ट चार्ज। अब ये एक्सटर्नल वर्क डन का मतलब क्या है सर, ये तो हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठेगा। देखो यहां पे क्या है, हम टेस्ट चार्ज को बहुत दूर से लेके आ रहे हैं, ठीक है, बी से लेके ए तक। अब भाई टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। अब बाहर से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स कैसा हो गया, एक्सटर्नल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक फोर्स और काम कर रहा है, कौन सा फोर्स, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा ये भी तो एक फोर्स है ना। तो भाई इस फील्ड में इस चार्ज को लेके आया जा रहा है, मतलब इसके अगेंस्ट, इसकी मंजूरी के बिना इस चार्ज को यहां पे लेके आया जा रहा है, जबरन लेके आया जा रहा है, यानी एक्सटर्नल यहां पे फोर्स लगाया जा रहा है, यानी कि कुछ विदेशी ताकतों की मदद से इस चार्ज को लेके आया जा रहा है, ठीक है, ऐसे आप समझ लो। तो मतलब ये चार्ज यहां पर, ठीक है, ये इस फील्ड के अगेंस्ट है, ओके, यानी जो फोर्स यहां पे, जो इस चार्ज का फोर्स है वो इस पे एक्ट करेगा और ये फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को लेके आया जा रहा है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे समझो, ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है ना, ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस तरीके से। सपोज ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, यानी कि टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। अभी चार्ज को भाई यहां से यहां तक ले जाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से, भाई धक्का देना पड़ेगा, जा आगे फील्ड में, जा कूद जा कुएं के अंदर, ऐसा करना पड़ेगा। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने लिखा है ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, यानी कि इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेन, ठीक है। तो भाई ये जो यहां पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज होगा। अब यहां पे आपसे, आप देखो यहां पे इसका जो फोर्स होगा इस चार्ज पे जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस चार्ज पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, चार्ज को ऐसे लेके आया जा रहा है, चार्ज को यहां लेके आ रहे हैं, ठीक है, और फोर्स टेस्ट चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ओके, यानी कि चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा भाई, दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो भाई दे विल रिपेल ईच अदर्स। तो भाई ये तो चार्ज यहाँ पे सोर्स चार्ज है, तो इसका तो फील्ड पुद्दू सा फील्ड है, यानी बहुत छोटा सा फोर्स लगाएगा तो इसका तो कोई फोर्स का वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो नेट फोर्स क्या रहेगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये बात सिंपल तरीके से समझ लो कि जो हमने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और अगर आपको यहां पे लिखना है बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा सर, तब यहां पे आप इसको ऐसे लिखोगे, डब्ल्यू बी ए अपॉन में
क्यू नॉट, और यहां पे आप लगा देना इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, बस यहां पे एक साइन का डिफरेंस और आ जाएगा, इतना है। तो भाई ये रिलेशन है ये कि एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या रिलेशन है। तो भाई जब हम किसी पॉइंट चार्ज को, ठीक है, या कोई भी टेस्ट चार्ज है उसको हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट से सोर्स चार्ज के पास लेके आते हैं, तो जो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि भाई हमने एक चार्ज को बी से ए तक लेके आए, तो ये जो बी से ए तक हम चार्ज लेके आ रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो गया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस एट ए और बी होगा इसका डिफरेंस ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस डब्ल्यू बी ए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये बातें आपको दिमाग में बैठानी है। अब देखो यहाँ पे एक बात और है, इफ इफ चार्ज इज ब्रॉट, इफ चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी, अगर चार्ज को इंफिनिटी से ब्रॉट करके ला रहे हैं, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट तब क्या होगा। देखो इस केस में आप सीधे लिखना वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इनटू में चार्ज, क्या लिखोगे, वर्क डन इनटू, वर्क डन इक्वल टू सॉरी पोटेंशियल इनटू में चार्ज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज हो जाएगा, बस सीधे आपको ये लिख देना है। ओके, जो भी चार्ज आप लेके आ रहे हो उस चार्ज को उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उससे इनटू कर दोगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बातें भी एकदम क्लियर हो जाएगी कि व्हाट ऑल ऑल दीज आर। ठीक है, अब देखो तो आप ना वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे याद रखना, वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज और मूविंग चार्ज, ठीक है, इन कैरिंग चार्ज मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, यानी फ्रॉम ए टू बी दैट इज चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी वी बी माइनस वी ए, आप ऐसे समझना इसको, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो वी बी जो है जो चार्ज के पास होता है वहां पे पोटेंशियल हायर होता है, ठीक है, जो चार्ज के पास पॉइंट होगा, और चार्ज से जितना दूर पॉइंट जाएगा पोटेंशियल कम होता रहता है। तो यहाँ पे आप ऐसे, मैंने फिगर बनाया था थोड़ी देर पहले, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, यानी किसी चार्ज को ए से लेके बी तक ले जाने में जो वर्क डन है, ठीक है, वो ये होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। ओके, ये सोर्स चार्ज है कोई भी, ये कौन सा चार्ज है, कोई भी सोर्स चार्ज है। अब देखिए यहां पर ये बात समझ आ गई, एक एग्जांपल समझते हैं यहां पे, देखिए एक न्यूमेरिकल है, इस पूरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल है, यहां पे क्या कर रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बी से लेके ए तक ले जाया जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है, बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक तो ये पूछा गया है, और आप ही से सेम सवाल पूछा जा रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, ये सवाल यहां पे हमें पता है वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा भाई, अगर हम चार्ज को बी से ए तक लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का काउंट होगा, तो वी ए क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, ऐसे आप लोगे पोटेंशियल डिफरेंस, उल्टा लेना है, अगर यहाँ बी ए है तो यहाँ पे ए बी लोगे, अगर यहाँ पे ए बी ले रहे हो तो यहाँ पे बी ए लोगे, क्योंकि हम यहाँ पे चार्ज को बी से ए तक लेके जा रहे हैं, तो ये क्या होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, ये तो ये हो गया वर्क डन बी टू ए हो जाएगा, ठीक है, और ये वी ए बी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ए टू बी हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, उल्टा होता है ध्यान रखना। अब ये जो चार्ज है क्या होगा, माइनस ई हो जाएगा, चार्ज क्या होगा, माइनस ई। अच्छा, जब भी हम वर्क डन या पोटेंशियल या कोई भी स्केलर क्वांटिटी निकालते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी साइन होगा चार्ज का, पोटेंशियल का, डिस्टेंस का, व्हाट एवर द साइन इज देयर, आपको वही साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी से जब भी आप डील करते हो तो आपको साइन वही यूज करना पड़ता है जो साइन हमें एक फिजिकल एंटिटी में गिवन होती है, ठीक है, जैसे अब चार्ज और इलेक्ट्रॉन तो माइनस ई होता है इसलिए माइनस ई यूज करेंगे, और माइनस ई का मतलब 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। अब वी ए कितना है
भाई पोटेंशियल एट पॉइंट ए तो 20 वोल्ट है और बी भी माइनस 40 है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तब हमें साइन अवॉइड कर देते हैं, हम साइन नहीं लेते, ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं तो साइन को अवॉइड करते हैं, साइन यूज नहीं करते हैं, बस उसमें साइन का मतलब माइनस, साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, लेकिन इसमें अपोजिट वगैरह कुछ नहीं होता। ओके ध्यान रखना। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 20 और 40 60 हो जाएगा, 16 छिक 96 होता है, सो माइनस 96 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और माइनस 9.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 18 जूल। तो इतना वर्क डन लगेगा भाई चार्ज को बी से लेके ए तक ले जाने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा, तो क्या करना है, जो वर्क डन हमारा आ रहा है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसका साइन चेंज कर दोगे, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव होता है, तो बस इसका साइन चेंज कर देना है 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। तो ये काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, इससे आपको एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स वो समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर B से लेके A तक ले जा रहे हो तो पोटेंशियल बी ए माइनस बी बी यूज करोगे, ठीक है, अगर आपको A से B तक बोला जाता तो पोटेंशियल आपको बी बी माइनस बी ए करना पड़ता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा हमेशा हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल घटाते हैं, क्या करोगे हमेशा, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल घटा रहे हैं, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को घटा रहे हैं, ये ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं जरा हम यहाँ पर यस, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आ रहे हैं, यहां से इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है ये देखो, दो बातें यहां पे निकल के आती है, पहली बात तो ये है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज पॉजिटिव फॉर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव फॉर नेगेटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये बात याद रख लेना भाई, कई बार एमसीक्यू जैसे सवाल में ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम लोअर से हायर पोटेंशियल ले जाते हैं, एंड वाइस वर्सा समझ लेना, इसका उल्टा हो जाएगा बाकी जो भी आप सोचोगे, ठीक है। तो भाई वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा पॉजिटिव होगा जैसे हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, अगर हम नेगेटिव चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाते हैं, ओके, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा, ठीक, इसका उल्टा भी हो सकता है, राइट। ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज नेगेटिव फोर पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, अगर हम उस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाने तो भाई ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और कई सारी बुक पढ़ोगे तब जाके सारे फैक्ट जुटा पाओगे, अगर आप अच्छी रीडिंग करते हो और कई सारे मल्टीपल बुक्स पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही है कि अंतिम में आपको फाइनली एक ही चीज पढ़नी होती है, तो इससे बेटर ये रहेगा कि आप हाथ के हाथ नोट्स जरूर बना लें, ठीक है, तो अपनी कॉपी में लिखो, नोट्स बनाओ, और ताकि इनको आप बार बार रिवाइज कर सको। तो चलिए अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हम करने जा रहे हैं, ये तो हो गया वर्क डन के ऊपर का कॉन्सेप्ट, अब जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पॉइंट चार्ज, और यहां से आपकी पहली डेरिवेशन स्टार्ट होती है, फर्स्ट डेरिवेशन है ये, और इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, खैर इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, बट लेकिन इसी से हम एक डेरिवेशन और पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों की सेम डेरिवेशन है, अगर ये डेरिवेशन समझ गए तो वो डेरिवेशन भी हो जाएगी, लेकिन ये डेरिवेशन तकरीबन वैसी है जैसे आपने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, सेम डिटो वैसे ही डेरिवेशन आज हम यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं।
तो चलिए ये वाला जो टॉपिक है यानी इलेक्ट्रिक, और यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, और ये रिजल्ट लगभग 90% सवालों में यूज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज है क्या? कंसिडर कंसिडर आप खुद लिख लेना। मान लो कोई भी एक सोर्स चार्ज है, क्या ये सोर्स चार्ज, ये हमारा कोई भी एक सोर्स चार्ज है, राइट। अब इस सोर्स चार्ज से कुछ डिस्टेंस पी पर, यहां पर एक पॉइंट पी है, इस सोर्स चार्ज से इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। और लेट कर लो कि जो पी पॉइंट है इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे, पहले इतनी बात दिमाग में बैठाइए, ठीक है। क्या लेट किया भाई, ये सोर्स चार्ज है यानी प्लस क्यू चार्ज है, हमें इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज। इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज। अब ये पोटेंशियल कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें वर्क डन का सहारा लेना पड़ेगा भाई। तो लेट कर लेते हैं कि चार्ज है टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्या लेट कर रहे हम, टेस्ट चार्ज है, और उसको हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, ओके। कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को बीपी तक लेके आना है। लेट कर लेना, सपोज अ टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। अब बीच में कहीं ये थोड़ा सा भाई थक हार जाएगा तो पानी वानी पिएगा, सफर तय करेगा, है ना। तो लेट कर लेते हैं भाई ये ए से लेके बी तक थोड़ा सा धीरे धीरे चला, बिल्कुल स्लो 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 मोशन में ये यहां से यहां तक आया, डर डर के कि कहीं ये खींच ना ले इसको या भगा ना दे, ठीक है। तो चुपके से चोरी 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 चुपके से ये इस चार्ज के पास आ रहा, इसकी फील्ड में एंटर करता है, लेकिन इसके साथ एक विदेशी ताकत है, वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स की, क्या है इसके साथ, एक एक्सटर्नल फोर्स की विदेशी ताकत है, लेकिन इसका भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, इसको भगाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसे क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के, यानी जो यहाँ पे गार्ड है, जो मुस्टंडे खड़े कर रखे बंदूकों के साथ, ठीक है, यानी बंदूकों की निशानी सब देख सकते हो, जो एरो है। तो मतलब ये समझ लो कि इस टेस्ट चार्ज को, ये जो यहाँ पे चार्ज है, जो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे भी एग्जर्ट करेगा और इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, रिपेल ही करेगा, करने का रिपेल करेगा। लेकिन इस टेस्ट चार्ज का इस फील्ड बहुत छोटा होता है, वीक होता है, तो फोर्स बहुत मामूली सा लगता है, आप ये कह सकते हो। तो चलिए अब निकालते हैं जरा। तो लेट कर लो कि भाई ए से लेके बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है डीएक्स है, और छोटा सा स्टेप इसने कवर किया, बिल्कुल छुपके छुपके से आ रहे ना, तो ए से लेके बी तक का वर्क डन हम पहले कैलकुलेट करेंगे। और लेट कर लो भाई इसको यहां से यहां तक जो वर्क डन इसको इसने यूज किया, जो वर्क डन इस पर लगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस चार्ज डी डब्ल्यू लेट कर लेते हैं। लेकिन यही वर्क डन क्या है, यही वर्क डन जो है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके द्वारा भी होगा, सेम वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा भी होगा, लेकिन साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो लेट करते हैं थोड़ा सा और, अभी हल्का सा और लेट करना पड़ेगा। लेट करते हैं भाई इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो एक्स है, क्या लेट कर रहे हैं, डिस्टेंस एक्स है, मतलब चार्ज जो है गलती से यहां पे पहुंच गया, मतलब बाय चांस वो ए पे आ चुका है, चार्ज कहां पे आ गया, ए पर आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा कंसोलिडेट कर देता हूं एक बार, फटाफट जल्दी समझा देता हूं उसको, है क्या इसमें एक्सप्लेन करता हूं। हमने लेट कर लिया एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कहां पे निकालना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। लेट कर लो कि एक टेस्ट चार्ज है, उसे हम इंफिनिटी से पहले ए पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, और लेट कर लो कि भाई अब ए से लेके बी तक इसने जो वर्क डन किया वो डी डब्ल्यू किया है, और ये वर्क डन क्या होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के अगेंस्ट ये वर्क डन होगा। मतलब भाई चार्ज तो इस तरफ जा रहा है, चार्ज तो इस तरफ जा रहा है, यानी कि टुवर्ड्स प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, लेकिन फोर्स इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, यही तो होगा ना। अब इस चार्ज यानी जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इस चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पे लगाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहां पे एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 180 का हो जाएगा,
ये बात समझ रहे हो भाई। जैसे ही टेस्ट चार्ज यहां पे आएगा, ये चार्ज क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन चार्ज का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ है। ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट dx हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं हम वर्क डन dw, ठीक है, इन ब्रिंगिंग चार्ज, टेस्ट चार्ज लिख रहे हैं, इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम A to B by a small displacement which displacement dx, है ना, by a small displacement dx by what elect against by इसके खिलाफ है ये, against electrostatic force। समझ आ रही बात भाई, ये चार्ज का फोर्स इस तरफ लगेगा टेस्ट चार्ज पे, और टेस्ट चार्ज को तो हम क्या कर रहे हैं, विदेशी ताकत से चार्ज की तरफ लेके आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, ये स्मॉल वर्क डन हो जाएगा f.dx, पढ़ा था f.dx भाई। वर्क डन क्या होता है, स्केलर डॉट या स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ये भाई छोटा सा वर्क डन है, ठीक है। हम चार्ज को इंफिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं, इस पी पॉइंट तक, डिस्टेंस आर तक लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से आर तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल चार्ज के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे एफ यहां पे क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180, क्योंकि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है, ठीक है। अब भाई ये एफ कौन सा फोर्स है, F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कहां पे लग रहा है फोर्स, इस पॉइंट A पर लग रहा है, कौन कितना डिस्टेंस है यहां पे, x डिस्टेंस है, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 pi epsilon naught q0 by x square। भाई यहां पे टेस्ट चार्ज है और इसने डिटेक्ट कर लिया, इसने इस पे फोर्स लगाया, और ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक k q q0 by x square, जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा भाई, कोलंबियन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है। विच फोर्स इज दिस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब देखो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन, ठीक है, इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर एट पी, है ना, इंफिनिटी से आर यानी पी पर टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज इसको इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से, इंफिनिटी से लेके आर तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे। तो भाई ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, इस फोर्स की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, तो क्या आ जाएगा, क्यू क्यू नॉट अपॉन, यानी 1/4 pi epsilon naught क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो भाई यहां पर कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। ये बात समझ आई भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसमें पुट किया मैंने, इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, कॉस 180 माइनस होता है, माइनस का साइन कॉस 180 का आ रहा है, आप इसको ऐसे समझो कि फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है टेस्ट चार्ज का बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। चलो अब यहां पर देखो, ये तो भाई कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो यहां पर जो वर्क डन हो जाएगा यहां से हम 1/4 pi epsilon naught क्यू क्यू नॉट हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, इसको हम क्या निकाले, कॉमन निकाल लेंगे, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहां पे इंफिनिटी टू आर dx by x square। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x square का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद कर लेना, बहुत जगह काम आएगा, ठीक है, -1/x होता है, क्या होता है, -1/x होता है, इसको याद कर लेना। सो क्यू क्यू नॉट बाई 4 pi epsilon naught नेगेटिव का साइन, ठीक है, और यहां पे इसका इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा दोस्तों, और इंफिनिटी टू आर आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो क्यू क्यू नॉट बाई 4 pi epsilon naught, सो 1/r - 1/∞ हो जाएगा, है ना, ये आपकी डेरिवेशन आ गई, राइट। 1/∞ क्या होता है, 1/∞ शून्य होता है, ये वैल्यू शून्य हो जाएगी, तो भाई वर्क डन क्या हो जाएगा यहां पे, क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई
इसको आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। ये जो क्यू क्यू नॉट है ना, जो 1/4 इसको आप के लेट कर लो, के क्यू क्यू नॉट बाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के, ये हमारे पास के ही तो होता है, 4π ε₀ के होता है। आप चाहो तो इसको शुरू से ही के लेट कर सकते हो, यहाँ पे इसको भी आप के लेट कर लो चाहो तो, इसको भी के लेट कर लेना, ठीक है। ये ज्यादा आसान रहेगा, बल्कि आपकी डेरिवेशन बहुत इजी हो जाती है इससे, राइट। इसको आप के लेट कर लो, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप इसको के मान लो, ठीक है, बाद में देख लेंगे क्या होगा। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, के लेट कर लिया, जो 1/4 था उसको हमने के लेट कर लिया, राइट। के इज द इलेक्ट्रिक फोर्स कॉन्स्टेंट हो गया। अब देखो यहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। सबसे पहला फॉर्मूला लिखवाया था शुरू में एकदम, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज पोटेंशियल। भाई अगर ये चार्ज यहां डिवाइड में आ जाएगा, ये वाला चार्ज, तो यहां क्या बचेगा, के क्यू बाई आर बचेगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल आ जाएगा क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये पूरी डेरिवेशन है, देख लो और इसको नोट कर लो, ठीक है, एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही टेप क्या रहे हैं। अभी मैं इसमें जो जो मेन मेन मुद्दा है, जो बातें, वो मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी यहां पे देख लो क्या है, एक बार मैं चाहूं तो इसको मैं कंसोलिडेट कर देता हूं। फिलहाल अभी एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट अ डिस्टेंस आर। हमने क्या लेट कर लिया कि भाई वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, लेट कर लेते हैं। स्मॉल वर्क डन पहले हमने निकाला, स्मॉल वर्क डन एफ डॉट डीएक्स हो जाएगा। ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इस टेस्ट चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेके आया जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा भाई। तो एफ डी एक्स कॉस 180 हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट ए को हमने क्या लेट कर लेते हैं, क्यू से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब जो टोटल वर्क डन हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके आर तक, हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब भाई इसमें जो फोर्स की वैल्यू है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस 180 क्या होता है, माइनस हो जाता है भाई। के क्यू क्यू नॉट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा नेगेटिव का, भाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, -1/x हो जाता है। पहले अपर लिमिट पुट करो, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दोगे, 1/∞ जीरो हो जाता है। तो वर्क डन क्या हो गया, के क्यू क्यू नॉट बाई आर हो जाएगा। अब भाई वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है, बिल्कुल पहला फॉर्मूला था। तो पोटेंशियल क्या हो गया, के क्यू बाई आर हो गया, समझ गए। तो ये पूरी की पूरी डेरिवेशन है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी भी सेम डेरिवेशन यही है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है मेरे दोस्त, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये नेगेटिव में आएगा, वो मैं तब बात करूंगा कि भाई नेगेटिव क्यों आएगा, ठीक है। वी विल सी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे, जब उसको डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे समझ लो कि वर्क डन है और ये पोटेंशियल है, ठीक है। वर्क डन और पोटेंशियल, दो बात यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं, वर्क डन एंड पोटेंशियल, और इन्हीं पे बेस न्यूमेरिकल। चलो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं इसमें, कि भाई क्या इसके अंदर मेन मेन जो है, मतलब स्पाइसी टॉक क्यों, व्हाट आर द अदर थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर, क्या क्या आपको इसमें याद रखना है। देखो पहली बात तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, वो आ गया के क्यू क्यू नॉट बाई आर। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, वर्क डन इक्वल टू 1/4 क्यू क्यू नॉट बाई आर। यानी कि आप ये कह सकते हो, दो दो चार्ज के बीच में, अगर कोई दो चार्ज है, उन दो चार्ज के बीच में जो वर्क डन होगा वो ये होगा, इट इज अ वर्क डन बिटवीन द टू चार्ज, ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्क डन बिटवीन टू चार्ज, ठीक है, ये आप कह सकते हो। चलो दूसरी बात, यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो हमने क्या निकाला, 1/4 क्यू बाई आर। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल, ठीक है, इज डिपेंडेंट ओनली ऑन पोजिशन, ठीक है, आर। पोटेंशियल पोजीशन आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस डिस्टेंस आपको देखना है कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या है, ठीक है। एंड डज नॉट डिपेंड
ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे कहीं पे भी डिपेंड, एक सोर्स चार्ज और पोजीशन पे डिपेंड करेगा, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। कहीं भी इसके फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज आ रहा है, जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से इस सोर्स चार्ज के रीजन में, ठीक है, यहां पे इस टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं है। ओके, कोई रोल नहीं है। अब देखो यहां से ना एक बात और यहां से निकल के आती है, वर्क डन में भाई, क्योंकि वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक है। जो वर्क डन है यहां पे चार्ज इनटू में पोटेंशियल ड्यू टू द सोर्स चार्ज, ये देखो चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज, ठीक है। अगर आपको सोर्स चार्ज का पोटेंशियल पता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे कितना वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल और बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नई बात समझ आई? देखो यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर प्लस क्यू चार्ज डिस्टेंस आर पर कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, वीपी इक्वल टू के क्यू बाई आर, इतना ही तो जनरेट करेगा, वीपी इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये हमने ड्राइव किया था। अब यहां से हम यहां इंफिनिटी से हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट पर हमने क्या किया, इस पॉइंट पर इस चार्ज को लेके आ गए। अब आपसे बोला जाएगा इस चार्ज को लाने में कितना वर्क डन किया गया, तो भाई वर्क डन क्या हो जाएगा, यहां पे वर्क डन हो जाएगा वीपी इनटू में जो चार्ज हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, यही इसका मतलब है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब, ठीक है। चलिए ये दो बात निकल के आएगी सामने, तीसरी बात देखिए आप जरा, थर्ड तीसरी बात क्या है यहां पे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, जो तीसरी इसमें बात है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vp इक्वल टू, यानी V इक्वल टू लिख लो, सिंपल सी बात है, यानी के क्यू बाई आर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर होता है, है ना। इसका अगर आपको ग्राफ बोला जाए, भाई ग्राफ बना के दिखाओ, ये आता है एग्जाम में, ये ग्राफ आता है आपके, चार पांच क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड होंगे और सीधे सीधे आपको ई वर्सेस बी वर्सेस आर वगैरह ऐसे ग्राफ पूछते रहते हैं, कई सारे ग्राफ है, चार पांच ग्राफ एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, दो तीन ग्राफ तो अदर एग्जाम में भी आते हैं, सीबीटी का एग्जाम हो गया, जेई का हो गया, नीट का हो गया, वही सब एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो भाई ग्राफ का, भाई अगर ये जो ग्राफ है, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें वी वर्सेस आर का, तो सिंपल सी बात है इनवर्सली का ग्राफ है, इनवर्सली का सारे ग्राफ कैसे होते हैं, ऐसे लुढ़कते हैं ना, इस तरीके से लुढ़केंगे, और क्या, ये हो गया इनवर्सली का ग्राफ, राइट, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आपसे बोला जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड वी और वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करके देखा, तो कैसे करोगे, मतलब एक ही ग्राफ में दोनों का बनाना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं भाई, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, डाइपोल साइपोल बीच में मत लेके आ जाना, क्वाड्रोपोल लेके आ जाओ भाई, इसका भी ऐसे होगा नहीं, कतई नहीं, उसका अलग होगा, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो भाई अगर ग्राफ ड्रॉ करें हम, इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा, तो देखिये ये तो हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया किसका, ये हमने ड्रॉ कर दिया V का, ये हो गया V का ग्राफ, ठीक है, किसका ग्राफ है, V is inversely proportional to R, 1 by R, directly proportional to, तो ये 1 by R। अब आपसे बोले जाए इसका, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये रैपिडली फॉल होता है इस तरीके से, तो ये जो ग्रीन वाला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर स्क्वायर का, और ब्लैक वाला किसका है, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, तो ये कुछ ऐसे है यूं करके पहला हो गया, और दूसरा वाला कुछ ऐसे करके है, ओके, ये इस तरीके से, जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ऊपर वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना ऊपर नीचे कौन कौन सा ग्राफ है। तो भाई ये तो हो गई इनकी बातें, यहां से कुछ और भी बात सामने आ रही है निकल के, क्या यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेचर क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेचर क्या है भाई, नेचर है स्फेरिकली सिमेट्रिक, कैसा होगा स्फेरिक भाई, किसी भी भाई एक कोई भी पॉइंट चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, कहीं पे भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, आर पे, यहां भी आर, 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 क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिक ही तो बन रहा है। तो भाई कैसा होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक, स्फेरिकली
सिमेट्रिक होगा। क्या इसका नेचर? स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। चौथी बात तो हो गई, पांचवी बात देखिए, देखो V इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो V पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव तो V नेगेटिव होगा, ठीक है। V अगर इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज, V इज नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चलो तो ये थी भाई पूरी की पूरी ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। एक दो बातें और देख लो। सिक्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। कैसे? अगर R की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, ठीक है, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन एट द लोकेशन ऑफ ऑन सोर्स चार्ज, तब क्या होगा? जैसे सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है हमारे पास, यहीं पर अगर आपसे बोला जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ तो क्या होगा? तब इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू, नॉट डिफाइंड। तो सोर्स चार्ज पे इटसेल्फ पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक आखिरी इसके अंदर कॉन्सेप्ट रह गया बच्चों, फाइनल कॉन्सेप्ट आखिरी, What happen when we have a multiple charge system? बहुत सारा चार्ज सिस्टम है, ठीक है, there are हजारों चार्ज है, चार पांच छह सात चार्ज का सिस्टम है, और आपसे बोला जाए पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ना एक बढ़िया सी डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन मतलब एक या मतलब निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका, टोटल पोटेंशियल, हम इसको ऐसे बोलेंगे टोटल पोटेंशियल। पहले हम इसको टॉपिक डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे हम, V इक्वल टू V1 प्लस, भाई स्केलर क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे, स्केलरली इसको ऐड कर देंगे विद साइन के साथ, ऐड करने किसके साथ, साइन के साथ, ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोल सकते हो इसको, ठीक है, स्केलरली ऐड कर रहे हो तो ये स्केलर नंबर वाला सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा वी आई हो जाएगा, ओके। तो देखिए टोटल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर ये समझ लो, ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। इसका मतलब अभी समझाता हूं मैं, इसका मतलब ये है, अच्छा पहले इसका देख लो एक बार, यहां पे मान लो पहला चार्ज है V1 पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है तो KQ1/R1, दूसरा चार्ज KQ2/R2, तीसरा चार्ज KQ3/R3 एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई भी चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, और ये पॉइंट यहाँ पे P है, यहां से आते का डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R2 है, और ये वाला डिस्टेंस R3 है, तो इस पे जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, जो Q1, Q2, Q3 है, जो पोटेंशियल क्रिएट करेंगे इंडिविजुअल चार्ज, इनके सम के बराबर होगा, तो ये टोटल पोटेंशियल हो गया ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इतनी सी बात है इसमें बस। अब देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं, यहां पे मान लो एक Q1 है और यहां पे हमारे पास हो गया कोई भी Q2 हो गया और एक Q3 है, ठीक है, और कोई भी एक पॉइंट है जो इन तीनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है, क्या है, ऐसे बहुत सारे चार्ज है, एंड सो ऑन लेट कर लो, इक्वल डिस्टेंस R पर है, तब इस पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, तो देखिए टोटल चार्ज लिखोगे तो ठीक है, टोटल चार्ज और 1/4πε0/R, ठीक है, ऐसे करके लिखना है आपको, टोटल चार्ज 1/4πε0 टोटल चार्ज अपॉन में आर, तो यानी आप इसको टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल,
ठीक है, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्ज एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस पे, अगर मतलब इन सभी चार्ज से डिस्टेंस बराबर है तब ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, तो 1/4 pi epsilon naught सिग्मा क्यू आई बाई आर, टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो यही लास्ट बातें थी इसकी। सो ये वाला तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, अब करेंगे न्यूमेरिकल। इट्स अ न्यूमेरिकल टाइम, कई सारे न्यूमेरिकल है। डीपीपी 1 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, टेलीग्राम चैनल पे जाके डीपीपी डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस करना, काफी अच्छे अच्छे ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, हर जगह से जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं एनसीईआरटी के, सारी जगह से इसके अंदर सवाल डाले जाते हैं और काफी ढूंढ ढूंढ के अच्छे से हाइजेनिक आप कह सकते हो, जो पचाने में अच्छा हो शरीर के लिए और एग्जाम के पर्पज से अच्छी हेल्दी हेल्थ बन जाए, ठीक है आपकी, उस तरीके के सवाल होते हैं। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्रेजी फॉर फिजिक्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। सो इट्स अ न्यूमेरिकल टाइम बच्चों, पहला सवाल है डीपीपी 1 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, शीट डाउनलोड कर लेना क्रेजी फॉर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल क्या है, टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 माइनस ए एंड 0 0 प्लस ए respectively, how much work is done in moving a point charge P 7002Q-300। ठीक है, सवाल समझो पहले, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई देखो यहाँ पे y और z coordinate 0 0 है, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं। ये मान लो ओरिजिन 0 हो गया और ये पॉइंट माइनस 3 हो गया ओरिजिन से, और ओरिजिन से राइट साइड में पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा, यानी फ्रॉम पॉइंट पी टू दिस पॉइंट। अब इसके लिए हम क्या करें, टेस्ट चार्ज निकाल दें हम, है ना, और यहां पे ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है माइनस ए और प्लस ए पे रख रखा है, यानी कि ये तो एक्स एक्सिस हो गया भाई, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस वाला पार्ट है ना, ये जेड एक्सिस है। तो यानी जेड एक्सिस के लिए आप क्या करो, ऐसे बना दो, वाई की है जरूरत नहीं हमें, तो वाई की जरूरत नहीं है, ये जेड एक्सिस हो गया माइनस जेड एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस। अब यहां पर चार्ज को वहां पर रखा गया माइनस ए पे, यहां पर माइनस ए पर तो रखा गया है भाई माइनस क्यू चार्ज, यहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा है माइनस ए पर, ठीक है, और प्लस ए पर, प्लस ए पर क्या रखा गया है, प्लस क्यू चार्ज, ऐसे तो रखा गया है भाई, माइनस क्यू माइनस ए पे रखा गया है चार्ज और प्लस क्यू प्लस ए डिस्टेंस पर रखा गया है चार्ज। तो भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क डन कितना लगेगा, किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ये लेट कर लो ए और ए पॉइंट बी, यानी ए से लेके बी तक इस पॉइंट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का मतलब होता है कि भाई पोटेंशियल, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए और इनटू टेस्ट चार्ज, ऐसे तो निकालते ना भाई, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इनटू में टेस्ट चार्ज, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखो भाई पहले हम निकालते हैं वी बी पे, इस पर पोटेंशियल कितना होगा, ये वाला जो पॉइंट है बी इस इससे लेट कर लो आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वैसे ये तीन है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये पूरा तीन हो जाएगा और ये पूरा ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 9। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, सेम ये वाला जो पॉइंट बी है इस चार्ज से माइनस वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9, ये भी तो ए डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई टोटल चार्ज एट बी। अभी मैंने जस्ट लास्ट एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो पोटेंशियल होता है वो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज और अगर डिस्टेंस सेम है तो अपॉन में डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस दोनों का सेम है तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज जीरो हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट बी दैट इज के क्यू अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 9 और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी दैट इज माइनस के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 9। अब ये वैल्यू क्यों लिखी मैंने, देखो भाई जो भी चार्ज का साइन होगा वो साइन आपको यूज करना पड़ेगा, दोनों कट गया क्या आ गया जीरो, क्या आ गया जीरो आ गया। अब ऐसे हम पोटेंशियल एट ए निकालेंगे, पोटेंशियल एट ए पे क्या हो जाएगा, सेम ही वाला डिस्टेंस देखो इस तरीके से होगा,
है ना, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस पॉइंट ए से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 49 के बराबर है। ठीक है, सेम ये वाला भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है ये वाला डिस्टेंस ये भी ए स्क्वायर प्लस 49 के बराबर होगा भाई। सेम आंसर आएगा के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 49 और ये भी माइनस के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 49, क्या आंसर आ गया जीरो। भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया भाई, क्या हो गया जीरो। तो आंसर आएगा इसका जीरो जूल। So, अगला सवाल देखिए, 3 point charges, 1 microcoulomb, -2 microcoulomb, 3 microcoulomb are placed at 1 meter, 2 meter on y axis, 3 meter on z axis. Find the potential at origin. यानी origin पे कितना potential होगा ये निकालना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है पहले। तो देखो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस तरीके से आप बनाओगे इसमें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर 1 meter, यहां पर कौन सा चार्ज है, 1 microcoulomb का चार्ज रखा हुआ है। यानी एक्स एक्सिस पे 1 meter पर 1 microcoulomb का चार्ज रखा हुआ है। वाई एक्सिस पर मतलब 2 meter की डिस्टेंस पे, भाई एक ही हो गया, दो ही हो गया। ठीक है, यहां पे 2 meter की डिस्टेंस पे, यहां पर 2 meter की डिस्टेंस पे -2 microcoulomb चार्ज रखा गया है। और इस जेड एक्सिस पे यानी 3 meter की डिस्टेंस पे ओरिजिन से कितना चार्ज रखा गया है, 3 microcoulomb का रखा गया। कितना, 3 microcoulomb। अब क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल बताना है। बहुत सिंपल आंसर है भाई, देखो यहां पे 3 charge हैं, तो तीनों चार्ज इस पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करेंगे आपको ये लिखना है। मैंने बताया था लास्ट में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ स्केलर, कोई भी हमारे पास स्केलर अगर हमें ऐड करना है कोई भी स्केलर नंबर को, तो हम उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो V क्या हो जाएगा भाई, चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू V1, पोटेंशियल ड्यू टू V2, पोटेंशियल ड्यू टू V3, जो भी चार्ज होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 जो हो जाएगा, ये टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। सो पोटेंशियल इज द सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। तो V1 कितना हो जाएगा, लेट कर लिए R1 डिस्टेंस 1 meter है, इसको हम R2 कह देते हैं 2 meter की डिस्टेंस पे, और जेड वाले को हम क्या कह रहे हैं, R3 इज 3 meter। ठीक है, तो V1 क्या आ जाएगा, KQ1 by R1 plus KQ2 by R2 plus KQ3 by R3, है ना, ये Q1 हो गया, इसको आप Q1 कह दो, अगर आपको नोटेशन लिखने का शौक है इसको Q3 कह देना भाई, पुट कर दो सारी वैल्यूज। तो टोटल यानी K तो कॉमन ही आ जाएगा भाई, K का मतलब 9 × 10⁻⁹, जब एक K कॉमन निकालोगे तो भाई 9 × 10⁹ कॉमन आ जाएगा। Q1 कितना है हमारे पास, 1 microcoulomb, मतलब 10⁻⁶ अपॉन में कितना, अपॉन में 1। ठीक है, माइनस देखो जो साइन होगा चार्ज का वही साइन आपको पुट करना है, -2 microcoulomb है तो यहाँ पे -2 पुट करोगे Q2 की जगह। ठीक है, सो 2 में 10⁻⁶, -6 क्यों आ रहा है, माइक्रोकुलम को कुलम में चेंज किया जा रहा है इसलिए आ रहा है, अपॉन में 2। सेम यहाँ पे 3 में 10⁻⁶ अपॉन में 3, क्योंकि यहाँ पे 3 microcoulomb का चार्ज रखा हुआ है। राइट, सॉल्व कर लो भाई, 9 × 10⁹, 10⁻⁶ बाहर आ जाएगा, 1 − 1/2 + 1/3, 3 से 3 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल 1, तो कितना आ गया, तो 1 ही आ गया भाई, है ना, 1 ही आ जाएगा भाई, ये कट गया यहाँ पे दोनों, तो क्या बचा, 9 × 10³ वोल्ट। तो इतना वोल्ट आंसर आएगा, 9000 वोल्ट आंसर है इसका। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डीपीपी का ये है, ये किसी बोर्ड के एग्जाम में आया था, यानी स्टेट बोर्ड में आया था मेरे ख्याल से सवाल। यहां बोला गया कि इफ 100 जूल वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 coulomb फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 volt टू अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज V, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। यहां पे बोला गया है कि भाई अगर किसी चार्ज 4 coulomb चार्ज को यानी -10 volt पोटेंशियल से इस V पोटेंशियल तक, मान लो A से लेके B तक, ठीक है, ले जाने में जो वर्क डन लगा, जो वर्क डन गया यहां पे, वो 100 जूल है। तो पूछा है कितना यहाँ पे V की वैल्यू, इस पे V की वैल्यू क्या होगी। देखिए, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, क्या था हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। यानी अगर यहाँ A B है तो आप क्या यूज करोगे, VB माइनस VA यूज करोगे। अगर आप यहाँ पे BA लिखते हो तो यहाँ पे अगर उल्टा कर रहे हो तो आप VA माइनस VB करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा इस बात का। और इंटू में क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू में चार्ज हो जाएगा। पोटेंशियल एट B कितना है हमारे पास, V है। पोटेंशियल एट A कितना है यहाँ पे, -10 है तो +10 हो जाएगा।
और वर्क डन कितना लग रहा है 100 जूल लग रहा है, चार्ज कितना है 4 कूलम्ब है, तो 4 से काटोगे 25 पे कट जाएगा और 25 माइनस में 10 कितना हो गया वी, तो वी कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। बड़ा सिंपल सा सवाल। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये भी किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था सवाल। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, यानी गोल्ड के न्यूक्लियस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। द रेडियस इज इतना, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर दे रखा 79 और चार्ज ऑन प्रोटॉन गिवन है। देखो बच्चों, हमने अभी देखा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। मतलब कहीं पे भी चार्ज के स्फीयर के, अगर चार्ज का कोई भी स्फेरिकल रीजन है किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हो तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट पाएगा, ठीक है। तो यानी कि गोल्ड का न्यूक्लियस है सपोज स्फेरिकली होता है एक तरह से, इसकी रेडियस हमें दे रखी है कितनी, रेडियस ये आर है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6.6 × 10⁻¹¹. व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू एन ई के बराबर होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करोगे भाई, एक प्रोटोन मतलब एक प्रोटोन पे इतना चार्ज होता है, तो टोटल कितने प्रोटोन हो गए, 79 प्रोटोन हो गए, तो 79 ई के बराबर हो जाएगा चार्ज, ठीक है। तो बस क्या करना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा एट ए डिस्टेंस आर, दैट इज पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाई आर। यही फॉर्मूला यूज करना है आपको, k की वैल्यू 9 × 10⁻¹, चार्ज कितना है 79 ई, ई का मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन में r, r कितना है हमारे पास 6.6 × 10⁻¹⁵। ओके, अब सॉल्व कर लो इसको, अब सॉल्व, 3 × 3 = 9 और 22 आ जाएगा, ठीक है जी। कुछ और है जो कटरा पिटरा इसमें, 22 × 4 = 88 हो जाता, भाई नहीं कटने वाला। चलो 11 पे कट गया और 8 पे कट गया, ठीक है भाई अभी तो इतना ही कटा है कुछ, तो 11 × 77 ऑलमोस्ट 7 पे कट जाएगा। चाहो तो और फिक्स काट देते हैं, 77 हो गया, 2 बचा 0, 11 × 11 = 8 3 × 8 = 24, 24 को 717 से इंटू कर दो, बल्कि 71 से इंटू कर दो, 4 × 4 = 72 72 से कर दो, सबसे अच्छा रहेगा, 4 × 2 = 8 4 × 7 = 28 2 × 2 = 4 2 × 7 = 14 है ना, 8, 12, 1, 7 और 1, तो भाई कितना आ जाएगा 1728 × 10⁻¹। 9 में से 19 गया -10 और जमा में 15, -10 जमा 15 5 है ना, 1.728 × 10⁻¹ कितना आ जाएगा 10⁻¹ और डेसिमल के बाद भाई एक डिजिट और है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 10⁻¹, ये 172.8 था, तो 10⁻¹7 वोल्ट हो जाएगा, तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, थ्योरी आपके सामने है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये सब है, कैलकुलेशन आपकी इस तरीके से। अगला सवाल देखिए भाई, बड़ा शानदार जोरदार जबरदस्त सवाल है, क्या ये, यहाँ पे बोल दे एक मेटल वायर है, इसको मोड़ के एक सर्कल का रूप दे दिया है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इस मेटल वायर पे टोटल चार्ज 200 माइक्रो कूलम्ब है, जो इस पर लगभग बराबर रूप से यूनिफॉर्मली फैलाया दिया गया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। देखो ये वायर है, इस वायर को क्या कर दिया, बेंड कर दिया, बेंड करके क्या बना दिया, सर्कल बना, सर्कल की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है भाई, चार्ज तो यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, होगा कि नहीं, है ना, चलो कुछ अंतर नहीं है और कुछ भारी सोचना नहीं है, एक फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया है, बस वही लगाना है, क्या था भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R, भाई क्यू हमें दे रखा है कितना 200 μC 2 × 10⁻¹⁵ 4 कूलम, माइनस 4 होगा ना भाई, माइक्रो का मतलब 10⁻¹⁶, राइट, और इनटू में 2 जीरो भी है भाई, तो पावर कम हो जाएगी। चलो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻¹⁵ मीटर, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन इट्स सेंटर, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल निकाल लो, सो के इज 9 × 10⁻¹⁹, चार्ज कितना है 2 × 10⁻¹⁴ और रेडियस कितनी है इसकी
10 की पावर माइनस 1 सॉल्व कर लो, 9 दुनिया 18 इंटू में 10 की पावर 9 में से 4 गया 5, 5 और 1 6 यानी 1.8 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट। समझे कि नहीं, है ना भाई, यही फॉर्मूला यूज करना और यही इसका आंसर है। देखिए अगला सवाल है, ये सवाल ना ऐसा सवाल है, मैंने ऐसे एक सवाल कराया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड, और वो भी जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की न्यूमेरिकल पे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, और ये सवाल जो है इसमें सवाल में खास बात है कि ये सवाल नीट में भी पूछा जा चुका है और स्टेट बोर्ड में भी 2-3 बार आ चुका है, बिल्कुल कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखो 27 ड्रॉप्स है, 27 ड्रॉप्स है, सेम साइज है, इनको 220 वोल्ट तक चार्ज किया गया हर एक को, ठीक है। उसके बाद दे कोलाइस, इनको मिला दिया गया, दे मिल जाते हैं आपस में, ठीक है, टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, इनसे एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है। पूछा गया है कि उस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या है, बात समझ आ रही है। ऐसे टोटल 27 ड्रॉप्स हैं, 27 ड्रॉप्स हैं टोटल इसमें, हर एक की रेडियस सेम है, ठीक है, हर एक का पोटेंशियल 220 वोल्ट है, हर एक का पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट है, ये याद रखना। तो हर एक का पोटेंशियल 220 वोल्ट है, तो भाई इनको चार्ज किया जा रहा है, चार्ज्ड एट, तो भाई सब पे चार्ज क्या होगा, क्यों होगा सब पे चार्ज क्या होगा, क्यों होगा, है ना। अब इनको ये कोलेस होते हैं, कोलेस होने के बाद बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं जिसकी रेडियस क्या है, सपोज हमें नहीं पता, आर लेट कर लेते हैं, तो R लेट कर लेते हैं, हमें नहीं पता, हम इसको R लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों चीज में क्या कॉमन है, इनका वॉल्यूम, भाई 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम, पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे सबसे पहले, और हमें बताना इसका पोटेंशियल कितना है। तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप किसके बराबर होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इसके बराबर हो जाएगा, बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप क्या होगा, 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या हो जाएगा, 4/3 πr³, ऐसी तो होता है भाई, कट गया दोनों, तो r कितना आ जाएगा, क्यूब रूट, यानी 3r का क्यूब के बराबर हो जाएगा ना। 27r³ को क्या लिख सकते हो, 3r³ लिख सकते हो, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू हो जाएगी 3r हो जाएगी, राइट, r की वैल्यू 3r हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप क्या हो जाएगा, K Q, इस पे लेट कर लो, टोटल चार्ज Q है, अपॉन में R, ठीक है। अब देखिए K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹ है, ठीक है, K की वैल्यू तो पता है, चार्ज कितना होगा यहाँ पे, अच्छा अभी इसको भी छोड़ देते हैं, फिलहाल इसको भी छोड़ देते हैं, इसको हम ऐसे लेट करते हैं, K ऐसी रहने दो, Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा टोटल 27 Q के बराबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कह सकते हो आप, ठीक है, यानी और एडिटिविटी ऑफ चार्ज, या तो आप यहाँ पे एडिटिविटी ऑफ चार्ज लगा लो, जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज होगा, सॉरी क्वांटाइजेशन नहीं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब टोटल चार्ज जो होगा वो एल्जेब्रिक सम होता है, तो इन सभी चार्ज को जब ऐड करोगे तो 27 Q चार्ज हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 27 Q हो गया, ठीक है। और रेडियस, रेडियस कितने, इसकी 3R के बराबर है, तो एक तरह से 27 × KQ/R हो जाएगा, 3 से काट दो इसको भाई, ये 3×27 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, KQ/R हो जाएगा। और एक KQ/R क्या है, यहाँ पे एक ड्रॉप पे पोटेंशियल के बराबर है, यही KQ क्या है, यहाँ पे KQ/R इस एक ड्रॉप पर पोटेंशियल के बराबर है, सो 9 × में KQ/R की जगह क्या आ जाएगा, 220 गुणा कर लो भाई, 1980 वोल्ट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1980 वोल्ट आंसर आ जाएगा, यस। सो भाई लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग द चार्जेस 100 μC −50 μC 20 μC −60 μC एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। देखो एक स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं और पूछा गया है कि पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पर, हमें क्या निकालना है, सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, कहां पर, सेंटर पर। तो भाई ये हमारे पास स्क्वायर है और इस स्क्वायर पे कॉर्नर पे यहाँ पे 100 μC, यहाँ से -50 μC,
यहाँ पर 20 माइक्रोकुलम्ब है और यहाँ पर -60 माइक्रोकुलम्ब चार्ज रखा हुआ है। अब इसकी जो साइड है ना वो रूट टू मीटर है, इसकी साइड कितनी है रूट टू मीटर है। हमें क्या निकालना है, इसका सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। सेंटर का मतलब जहां पे दोनों डायगोनल क्या करेंगे, इस स्क्वायर का इंटरसेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे जरा ये जो ओ पॉइंट है जहां पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ये जो ओ पॉइंट है इस चार्ज से, इस चार्ज से, इस चार्ज से और इस चार्ज से बराबर डिस्टेंस पर है, बराबर डिस्टेंस पर है ना। तो पहले आप क्या करो, यहाँ पे लेट कर लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पहले डायगनल ए सी निकाल लो। डायगनल क्या होता है, ए अंडर रूट टू होता है। किसी भी स्क्वायर का डायगनल अगर हम निकाल रहे हो तो ए अंडर रूट टू होता है। ए यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी, रूट टू है। So, root 2 into में root 2 कितना हो गया, 2 तो यहां पे आ गया ए सी, डायगनल ए सी आ गया इसका। जो डायगनल इस स्क्वायर का वो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। हमें भाई पोटेंशियल ओ पे निकालना है, ओ पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पर जरा आगे, अब यहां पे आर की वैल्यू क्या होगी, इसका आधा हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 मीटर। भाई आर क्या, यहां पे हाफ डिस्टेंस हो जाएगा ना, ए ओ, ओ सी, ओ डी और ओ बी। हमें देखना है चार्ज से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना है। अब पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला भाई, टोटल पोटेंशियल एट वी इज द पोटेंशियल ड्यू टू द ऑल चार्जेस एंड देयर सम। तो यहां पे जितने भी चार्जेस हैं लाइक वी ए, वी बी, वी सी और वी डी, यानी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए, ड्यू टू चार्ज एट बी, ड्यू टू चार्ज एट सी, ड्यू टू चार्ज एट डी। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर है ना, प्लस के क्यू टू बाई आर, प्लस के क्यू थ्री बाई आर, प्लस के क्यू फोर बाई आर, यही तो होगा ना। अब देखो बच्चों, इतनी लंबी कहानी की बजाय आप छोटी सी एक कहानी लिख सकते थे, क्या थी कि हमें पता है कि भाई डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो आप सिंपल सा एक और फॉर्मूला, आप ये तो मैंने बता दिया कि आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो जो भी मैंने लिखा है, लेकिन एक सिंपल सा तरीका, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका, वो ये है 1/4 pi epsilon naught टोटल चार्ज। क्या लिखोगे, टोटल चार्ज मतलब सिग्मा क्यू आई अपॉन आर। ये फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर आ गया भाई। ये वाला कोई भी अगर रेगुलर कोई भी पॉलीगन है ये, और उसके सेंटर पे अगर किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर बहुत सारे मल्टीपल चार्ज है और उन चार्ज से एक सेम डिस्टेंस पर, यानी एक पॉइंट ऐसा जो उन सभी चार्जेस से बराबर दूरी पे है, सेम डिस्टेंस पे है, और आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आप टोटल पोटेंशियल लिखो पहले, मतलब टोटल पोटेंशियल जो होगा टोटल चार्ज निकाल लो और जो भी डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दो और के से इंटू कर दो। तो भाई ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू हमें बखूबी पता है, 9 × 10^9 हो जाएगा। टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज मतलब 100 + 100 - 60 है ना, 100 - 60 + 20 - 50 टोटल चार्ज ये होगा। इन सभी चार्ज को ऐड कर देंगे और इंटू में 10^-6, ये कहां से आ गया, ये आ रहा है माइक्रो का। भाई सभी पे 10^-6 यहां भी आएगा, यहां भी सभी पे आएगा, तो बाहर निकाल दिया। सबसे अच्छा तरीका ये है। और बट्टे में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, 9 × 9 = 6 कितना बचा, 3 बचेगा, और 100 × 6 = 40, 60 × 50 गया 10, कितना आ गया, 9 × 10^4 वोल्ट, ठीक है। तो इतना पोटेंशियल टोटल इसके स्क्वायर के उस पे सेंटर पे क्रिएट होगा, यानी प्रोड्यूस होगा। देखो ये वाला सवाल बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है, ये वाला सवाल किसी स्टेट बोर्ड में भी आ चुका है, तो ध्यान रखना ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन डीपीपी का, कैलकुलेट द, अच्छा ये एनसीईआरटी का सवाल है और बोर्ड में शायद अभी तक तो स्टेट बोर्ड में पूछा गया मेरे ख्याल से। हाँ देखो बोर्ड में आए ऐसे सवाल, और भी आगे आएंगे, जरूरी कि भाई सारे सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया ये सवाल। और ये एनसीईआरटी का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल, इसमें कई सारी चीजें इन्होंने पूछ रखी है और बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछ रखा है। देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 × 10^-7 कूलम्ब लोकेटेड 9 cm अवे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहला तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि भाई यहां पर एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 4 × 10^-7 कूलम्ब है, ठीक है, ये चार्ज यहां पे दे दिया, और इस चार्ज से इस पॉइंट पी पर, यानी कि जो कि कितना है 9 cm की दूरी पर है जो पॉइंट पी है, यानी 9 × 10^-2 m, इस पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो भाई फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, पहले का तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी दैट इज के क्यू बाई आर, है ना, के की वैल्यू 9 × 10^9 और चार्ज कितना है हमारे पास,
चार्ज है 4 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 अपॉन में r, 9 इंटू में 10 की पावर माइनस 2, 9 से 9 कट जाएगा भाई, 4 बचा, 4 गुना में 9 में से 7 गया 2, 2 जमा 2 कितना हो गया, 4 हो गया, इतना वोल्ट ये पोटेंशियल क्रिएट करेगा। चलो एक सिंगल चार्ज जिसका मतलब जिसकी वैल्यू माइक्रो में है वो इतना हाई पोटेंशियल 40,000 वोल्ट तक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, इतना वोल्ट के वोल्टेज क्रिएट कर रहा है, आप ये देखिए। अब आगे देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, Hence obtain the work done in bringing the charge 2 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी से एक अनादर चार्ज है, दैट इज 2 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम, टेस्ट चार्ज लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो टेस्ट चार्ज है, ठीक है। इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आया जा रहा है, तो पूछा गया कितना वर्क डन इस चार्ज को लाने में लगा, तो भाई सेकंड वाले पार्ट में वर्क डन निकालना है। और मैंने बच्चों एक बात बताई, वर्क डन जब भी आप निकालो तो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला, चार्ज इनटू में पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, चार्ज इनटू में पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जो हमने वीपी पे पोटेंशियल निकाला है, तो भाई इसका जो पोटेंशियल यहां पर होगा और इस चार्ज को इनटू कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। तो भाई चार्ज कितना है 2 into 10 की पावर माइनस 9, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ रहा है 4 गुना में 10 की घात 4 आ रहा है ना, सो 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 into में 10 की पावर माइनस 5 जूल, इतना वर्क डन लगेगा। अब सवाल का काफी इंटरेस्टेड इन्होंने पूछ रखा है, बहुत ही थ्योरेटिकल सवाल है, पूछा गया है कि मान लो चार्ज को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके यहां लेके आ गए, या ऐसे ऐसे करके लेके आ गया, ऐसे ऐसे करके लेके आ गए, ठीक है, ये कोई भी पाथ इस तरीके से फॉलो कर दे, कर्व कर दिया सर्कुलर, घूमते 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 ये पी तक पहुंच गया, तो पूछा गया है कि ये जो हमने पाथ फॉलो किया है, मतलब इस चार्ज को लाने में जो पाथ फॉलो किए गए हैं, क्या इस पर डिपेंड करेगा, नेवर, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ऑलवेज बाय एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इज कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव का मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करेगा, ना कि कौन सा किस तरीके का लूप पाथ फॉलो किया जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो भाई आंसर क्या आएगा, नहीं, यानी नो, यानी चार्ज जो वर्क डन है, जो वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज डज नॉट डिपेंड एनी काइंड ऑफ द नेचर ऑफ द पाथ, इट जस्ट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। तो एनसीईआरटी का एक और सवाल है, काफी इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छा सवाल है भाई ये, ठीक है। और हाँ, ऐसे ये वाला सवाल बोर्ड में आ चुका है, बिल्कुल बोर्ड में आया हुआ सवाल है, पूछा गया है बोर्ड में सवाल ये, ठीक है। और ऐसे ना कई सारे क्वेश्चन है, 4-5 सवाल इस तरीके के, और जो आगे के हम 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे उन सब में कहीं ना कहीं इस तरीके का सवाल आएगा। और एनसीईआरटी में ऐसे 2 सवाल है, एक एग्जाम्पल है और एक एक्सरसाइज में है, ठीक है ना। और ये इस तरीके के सवाल नीट जैसे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जेई जैसे एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। देखो इतना टफ एग्जाम नहीं होता है, कंपटीशन टफ होता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, उसका कंपटीशन टफ होता है, मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठते हैं ना उनकी वजह से एग्जाम टफ होता है, वरना भाई बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, 180 में से 180 आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो 2 चार्जेस है यहाँ पे, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, आर लोकेटेड 15 मीटर अपार्ट, यानी दो चार्जेस है यहाँ पे, एक की वैल्यू मान लो Q1 इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, ओके, ये पॉइंट ए है, और बी पर एक अनादर चार्ज रखा है, इसे हम Q2 कह देते हैं, सो माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 मीटर का, कितने का डिस्टेंस है, इनके बीच में 15 मीटर का डिस्टेंस है, ओके, ठीक है भाई, 15 मीटर का डिस्टेंस है, ये लेट कर लिया हमने। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, भाई इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली किस लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। अब देखो भाई, हो सकता है कि पोटेंशियल यहां पे भी जीरो हो, कहीं पे भी, इन दोनों लाइन के अंदर भी पॉइंट हो सकता है, हो सकता है कि भाई इसके बाहर कोई एक ऐसा पॉइंट लाई कर रहा हो वहां पे भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं भाई, पोटेंशियल यहां और यहां कहीं भी जीरो हो सकता है। इन्होंने बोला नहीं है कि लाइन दो चार्ज के बीच में तो नहीं बोला ना, अब भाई चार्ज के बीच में भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है और चार्ज के बाहर भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है, हमें यही निकालना है। अब यहाँ पे आपके दो केस बनेंगे, एक तो इन बिटवीन द लाइंस, ठीक है, इन बिटवीन द टू चार्ज ऑन द लाइन, और एक है अब एक्सटर्नल टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, यानी एक लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज के बाहर और लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज के बीच में पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो पहले हम निकालते हैं एट पी, लेट कर लेते, पी पॉइंट जो है ए से एक्स डिस्टेंस पर है, तो बी से कितना हो जाएगा ये 15 माइनस एक्स,
हो जाएगा। कैसे भाई, लेट कर लिया जो पी पॉइंट है एक्स से ए से एक्स मीटर की डिस्टेंस पे, टोटल यहां तक का डिस्टेंस 15 है, तो भाई जो बी पॉइंट है पी से कितना डिस्टेंस हो जाएगा 15 माइनस एक्स, भाई इस पूरे में से इतना घटाओ तो ये बचेगा ना। अब हमें क्या दे रखा है, वीपी पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है, वीपी पे क्या बोला पोटेंशियल जीरो दे रखा है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए। अब वीपी पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज बी इक्वल टू जीरो, भाई जो पोटेंशियल इसकी वजह से और इसकी वजह से होगा जीरो हो जाएगा, यही तो बोला है भाई। एट द पॉइंट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, आपको दे रखा है कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो भाई क्या करेंगे हम यहां पे यूज करेंगे के क्यू वन बाई एक्स माइनस के प्लस के क्यू टू बाई 15 माइनस एक्स बराबर जीरो, ऐसे होगा भाई। क्यों होगा भाई, फॉर्मुला के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स, ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो चार्ज क्यू वन है इतना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और ये वाला जो पॉइंट बी है बी पे जो चार्ज क्यू टू है ये इसी पॉइंट पी पर इतना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। भाई वैल्यू पुट करनी, के तो वहां जाके जीरो होने हो जाना है, ठीक है। सो क्यू वन की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁸ अपॉन में एक्स माइनस में क्यू टू की वैल्यू 2 × 10⁻⁸ अपॉन 15 − x। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो भी साइन होगा ना क्यू वन और क्यू टू का, वो साइन आपको पुट करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव तो नेगेटिव पुट करोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिखाने की जरूरत है ही नहीं भाई। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉमन निकल के वहां जाके जीरो हो जाएगा, जीरो बट्टा समथिंग जीरो हो जाएगा ना। तो बचा क्या, 3 × x इक्वल टू 2 / 15 − x। अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, फिजिक्स इतनी थी, इसके बाद पूरी मैथमेटिक्स है। नॉर्मल जो कैलकुलेशन होती है वो इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन आएगी यहां से, 3 से इसको इंटू कर दो, 3 × 15 = 45 − 3x = 2x, और 45 कितना हो जाएगा 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 मीटर। तो भाई फ्रॉम दिस चार्ज 9 मीटर, फ्रॉम दिस चार्ज 6 मीटर हो जाएगा, तो फ्रॉम ए 9 मीटर फ्रॉम ए, ठीक है, फ्रॉम क्यू वन चार्ज, ये आप लिख सकते हो। ओके, तो पहला तो आंसर ये आ गया। अब दूसरा देखो, ये केस वन, केस टू, ठीक है, ये केस वन हो गया। केस वन में क्या है, इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, ठीक है, ये तो इन बिटवीन हो गया। अब हम निकालेंगे केस टू, यानी कि एक्सटर्नल, ठीक है, यानी कि एट एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नल में क्या होगा, एट एक्सटर्नल, ऐसे लिख लेना, एट एक्सटर्नल, इसको हमने क्यू पॉइंट कह दिया। अब यहां पे भी टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी क्यू पे जीरो हो जाएगा। अब लेट करते हैं भाई, जो ये जो इसको हम दोबारा ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ठीक है, ए और बी, ये चार्ज क्यू वन, ये चार्ज क्यू टू, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्यू है, क्या ये पॉइंट क्यू है। लेट कर लेते, जो क्यू पॉइंट है बी से एक्स डिस्टेंस पर है, क्या है, बी से एक्स डिस्टेंस पर। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो यहीं से लेट कर लो, यहां से ये एक्स डिस्टेंस पर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा भाई, x माइनस 15 बचेगा x माइनस 15 भाई, क्यों, क्योंकि ये 15 है, a से लेके q तक का डिस्टेंस x लेट कर लिया, तो ये वाला कितना बचा x माइनस 15। अब टोटल चार्ज यहाँ पे जीरो है, यानी वी ए प्लस वी बी क्या हो जाएगा, सेम अगेन जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जो वी ए है इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल a क्रिएट करेगा, जो चार्ज q1 क्रिएट करेगा, वो क्या आ जाएगा, k q1 / x हो जाएगा, और VB पे क्या हो जाएगा, KQ2 / VB की वजह से चार्ज पोटेंशियल, VB का मतलब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, KQ2 / x − 15 और बराबर जीरो, भाई K जीरो हो जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁸ अपॉन एक्स इक्वल टू Q2 कितना है, 2 × 10⁻⁸ अपॉन में x माइनस 15, बराबर कर दिया मैंने, क्योंकि नेगेटिव होगा भाई यहाँ पे, तो बराबर जाएगा तो आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कट गया है दोनों कच, ठीक है, 3 × कर दो, 3x − 45 = 2x। अब यहाँ पे 2x को इधर लेके आ जाओ, 3x − 2x कितना आ जाएगा 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 मीटर। तो भाई 9 मीटर और 45 मीटर फ्रॉम चार्ज क्यूबन जो पोटेंशियल है वो जीरो हो सकता है, अगर दो चार्ज के बीच में अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो तो 9 मीटर की डिस्टेंस पे चार्ज क्यूबन से पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और अगर आप बाहर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो किसी पॉइंट पर तो बाहर जो है 45 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बड़ा शानदार सा सवाल था, ऐसी एक सवाल और है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 डीपीपी में दे रखा है मैंने, ठीक है, जरा ट्राई करना, और डीपीपी आप डाउनलोड कर लेना क्रेजी फॉर फिजिक्स से टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। सो देखो बच्चों, अगला सवाल ये, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इस पे चार्ज 5 माइक्रो कूलम्ब है
एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। इस हेक्सागोन के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा ये निकालना होगा। तो रेगुलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स क्या है बराबर है। रेगुलर का मतलब ही हो गया ना, रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइड क्या हो बराबर हो। ठीक है, हेक्सागोन बोल रखा है इन्होंने, भाई हर एक की साइड कितने 10 सेंटीमीटर है और हर एक कॉर्नर पे इस पर हर कॉर्नर पे कितना चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रो कूलम का। कितने कूलम का है 5 माइक्रो कूलम का यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। ओके, और इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है। तो पूछा गया इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कितने सेक्टर आपको दिख रहे हैं, 6 सेक्टर दिख रहे हैं आपको, 6 सेक्टर है ना। हर एक सेक्टर में जो एंगल होगा इसके बीच में 60 का होगा। अगर आप देखो ये सारा जो ओ पॉइंट है, हम ओ की बात कर रहे हैं, जो भी वर्टेक्स है वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पे होगा। तो एक काम करो आप एक पार्ट उठा लो यहाँ पे, ये वाला, ये एंगल 60 का है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा 60 और 60 का होगा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है और हेक्सागोन के बीच में ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे 120 के होते हैं। तो भाई इनका आधा आधा 60-60 का एंगल हो जाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर की साइड है तो ये भी 10 की होगी और ये भी 10 की होगी। तो R यहाँ पे हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी 10 की घात माइनस 1 मीटर। चार्ज कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ कूलम। पोटेंशियल जो पोटेंशियल एट ओ निकालना है, कहाँ पे एट ओ पे निकालना है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 6 × में पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1। यानी दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी चार्ज बराबर है, सभी बराबर डिस्टेंस पे है। तो भाई एक का पोटेंशियल निकाल लो, बाकी सभी के पोटेंशियल को जो एक का पोटेंशियल निकालो उसको 6 से इंटू कर देना, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भाई सभी का पोटेंशियल इस पॉइंट ओ पर बराबर की रेट होगा। ठीक है, तो की रेट होगा तो 6 × में पोटेंशियल क्या होता है डी टू चार्ज 1 के क्यू बाई आर हो जाएगा। 6 × में 9 × में 10⁻⁹ के की वैल्यू। चार्ज कितना है यहाँ पे 5 × में 10⁻⁶ और अपौन में आर, आर कितना है 10⁻⁻¹ हो जाएगा। सॉल्व कर लो भाई, 6 × 54 और या 5 × 30 9 × 27 यानी 270 ये आ जाएगा। 10⁻⁹ में से 6 गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी 2.70 × में 10⁻⁶ वोल्ट, इतना आंसर आएगा इसका। देखिए काफी बढ़िया सा सवाल पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, और ये सवाल मेरे ख्याल से बोर्ड में भी पूछा जाए, नीट में भी आ चुका है ये वाला सवाल इस तरीके का। एक क्यूब है जिसकी साइड बी है, एक क्यूब जिसकी साइड बी है, इस पर चार्ज क्यू दे रखा है हर एक कॉर्नर पे यानी वर्टिसेस पे। ठीक है, डिटरमाइन करना है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज अरे एट द सेंटर ऑफ क्यूब। सवाल समझ आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं। देखो ये क्यूब दे रखा है हमें, इसके सेंटर पर यहां पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल भी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। जरा इस क्वेश्चन को सोचना और समझना थोड़ा सा, और हर एक कॉर्नर पे टोटल यहाँ पे 8 कॉर्नर है इस तरीके से, आप देखो ये कॉर्नर, ठीक है, हर कॉर्नर पर यहाँ पे टोटल हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज रख दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इन चार्ज की वजह से टोटल पोटेंशियल क्या होगा ऊपर, ये निकालना है। अब ये देखो भाई, अगर हम इस क्वेश्चन को करने के लिए आप थोड़ा सोचो, आप एक ऐसी रूम के अंदर बैठे हो जो रूम है आपका और वो क्यूब है पूरा का पूरा, और उस रूम का एक सेंटर है, सेंटर रूम का सेंटर, ठीक है, सेंटर उठाना, रूम का जो सेंटर होगा उस पॉइंट पर, ठीक है, उस सेंटर का, उस जो भी यहाँ पे वर्टेक्स है यानी क्यूब का जो वर्टेक्स है, सभी वर्टेक्स का डिस्टेंस सोचो क्या होगा, सभी वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है आपको। पहले तो देखो हमें क्या करना है, पहले तो भाई ये जो पॉइंट ओ है ये इस चार्ज से ठीक है, इस चार्ज से यहां से कितनी कितनी डिस्टेंस पर है ये हमें पहले पता करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डायगनल निकालेंगे, ये इसका डायगनल हो गया डी। हमें क्या करना है, पहले डायगनल निकालना पड़ेगा। डायगनल जानते हो, एक क्यूब में कितने डायगनल होते हैं, टोटल 4 डायगनल होते हैं। आप दो अपोजिट वर्टेक्स को मिला देना, मतलब नीचे अपोजिट ऊपर से नीचे वाला अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, तो ऐसे टोटल मिला के 4 डायगनल होते हैं एक रूम के, ठीक है ना। तो यानी जो डायगनल होता है यहाँ पे, डायगनल की जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, डायगनल होता है a√3। डायगनल क्या होता है a√3, a क्या होता है क्यूब की साइड होती है, ओके, और यहाँ पे a कितना है, a की जगह में b दे रखा है, तो डायगनल क्या हो गया b√3 हो जाएगा। तो भाई अगर हम देखें ये जो यहाँ पे पॉइंट है सेंटर पे,
हर सेंटर जो होगा, ठीक है, जो सेंटर है यहाँ पे, सेंटर हर एक चार्ज से डायगोनल के हाफ डिस्टेंस पर सिचुएटेड होगा, डायगोनल के हाफ डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा, मतलब यहाँ पे है ना, तो भाई इस डायगोनल का आधा हो जाएगा, तो भाई डी बाई टू डिस्टेंस पर जो सेंटर है ये सिचुएटेड है, तो यानी यहाँ पे जो आर की वैल्यू हो जाएगी क्या आ जाएगी, बी बाई अंडर रूट बी बाई टू अंडर रूट थ्री, या आप इसको ऐसे लिख लो अंडर रूट थ्री बाई टू बी। ये बात समझ आ रही है, पहले डायगोनल निकाला, जो डायगोनल होता है यहाँ पे क्यूब का वो बी अंडर रूट थ्री होता है, डायगोनल का आधा कर दोगे तो सेंटर ऑफ क्यूब आ जाएगा, सेंटर ऑफ क्यूब मतलब जो हर एक वर्टेक्स से सेंटर ऑफ क्यूब का जो डिस्टेंस होगा डायगोनल का हाफ होगा। ओके, अब देखो पोटेंशियल निकालना है भाई, देखो सभी चार्ज की वैल्यू सेम है, मतलब सेम भी है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन भी सेम है ना, तो भाई पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक चार्ज का पोटेंशियल जो होगा उसको 8 से इंटू कर दोगे तो टोटल चार्ज का पोटेंशियल आ जाएगा, है ना, तो भाई पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट ओ, ठीक है, सेंटर पे, तो भाई पोटेंशियल यानी 8 इंटू में पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज वन, 8 इंटू में के क्यू बाई आर, और 8 इंटू में k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q यहाँ पे ऐसी रहेगा, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r यहाँ पे दे रखा है रूट थ्री बाई टू, कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई टू भी हो जाएगा, भाई देखो दो से काटोगे तो ये आ जाएगा दो दुनी चार, फिर दो से काटोगे दो चौक आठ, तो कितना आ जाएगा 4 बाई अंडर रूट थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट b, 4b अपॉन रूट थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट b आंसर करके इसका आंसर आएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहोगे, देखो यहां पे अगर आप देखोगे हर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर दो डायगोनली अपोजिट है, देखो ये डायगोनल है सपोज क्यूब का और यहां पे एक चार्ज रखा है, यहां पे एक चार्ज रखा है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये चार्ज क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, मतलब दोनों चार्ज जो है जो डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स पर लाई कर रहे हुए हैं, ठीक है, उन दोनों जो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, सेंटर पर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, तो भाई दो चार्ज का जो अब जो डायगोनली अपोजिट है, ठीक है, उनका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो हो जाएगा, भाई ऐसे करके ये वाला भी होगा सेम यहाँ पे, ठीक है, इसका भी ऐसे होगा, तो ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ऐसी जो नेक्स्ट वाला है उसका भी होगा और ऐसे नेक्स्ट वाले का भी जीरो होगा, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल हो जाएगा जीरो हो जाएगा, सीन्स द फील्ड ड्यू टू चार्जेस एट द वर्टेसेस ऑफ डायगोनल कैंसिल ईच अदर, ठीक है, ये लिखोगे तो ये इसका रीजन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 4b अपॉन q होगा, ये है ना भाई, चार्ज है q आएगा, मैं b भी कर रहा हूं। चलिए आज का आखिरी सवाल है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, दो टाइनी स्फीयर है कैरिंग चार्जेस 1.5 माइक्रोकूलम 2.5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। देखिए सवाल क्या है, पहला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, दो चार्ज है भाई 1.5 माइक्रोकूलम, एक इसको हम Q1 कह देते हैं और दूसरा क्या Q2 यानी 2.5 माइक्रोकूलम, राइट, ये कहां पे रखा हुआ है, ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, कितना 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ओके, ठीक है, इसको हम A पॉइंट कह देते हैं और इसको हम B पॉइंट कह देते हैं। आगे क्या पूछा है, एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, बिल्कुल मिड पॉइंट पे यहां पर यानी 15 सेंटीमीटर यहां पे 15 सेंटीमीटर यहां पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पोटेंशियल तो बड़ा सिंपल तरीके से निकल जाएगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एट ओ, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे, वी क्या आ जाएगा V1 प्लस V2, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है, अब देखो ये तो हो जाएगा के Q1 बाई आर प्लस के Q2 बाई आर, R1 R2 लेट कर लो, K कॉमन है बाहर निकाल लो, आर भी बाई दोनों में सेम है 15 15 है, दोनों केस में आर की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 मीटर, राइट, आर दोनों में सेम है, तो टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट ओ, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 एट ओ, दोनों को ऐड कर देंगे, अब K बाई आर कॉमन आ गया तो Q1 प्लस Q2 हो गया, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है यहाँ पे 1.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 गुना 10 की घात माइनस 6,
यही तो हो जाएगा 1.5 प्लस 2.5 चार हो गया, तो 4 इंटू और माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करोगे राइट। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कितना आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 भाई 3 × 3 = 15 3 चौक कितना हो गया 12 तो ये आ जाएगा 12 इंटू में 10 की पावर 9 में से 6 गया कितना बचा 5 5 और 2 कितना हो गया 7 और बट्टे में 5 5 से काटोगे 5 2 10 5 चौक 20 इंटू में 10 की पावर 7 वोल्ट। ये तो आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है ठीक है। अब अगर हम देखें यहां पर जो ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये E2 लेट कर लो, और फर्स्ट वाला चार्ज इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, अपोजिट हो जाएगा ना भाई। क्यों हो जाएगा भाई, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बताया था पॉजिटिव चार्ज के लिए जो तीर होता है बाहर की तरफ निकलता है भाई, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकालेगा, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में निकालेगा राइट। तो दोनों का जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, E1 का या E2 का, जिसकी चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी भाई Q2 की ज्यादा है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बड़ा होगा यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट O वो क्या आ जाएगा यहाँ पे E2 माइनस E1 होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन होगी अलोंग B2A, अलोंग B2A हो जाएगा, E2 में से E1 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज बड़ी है ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ by R² होता है ना, KQ2 by R² माइनस KQ1 by R². अब देखो यहां पर आगे क्या होगा, अब आगे क्या करना है, K by R² तो कॉमन आ जाएगा है ना, तो क्या बचा Q2 माइनस Q1 आ जाएगा। K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q2 हमारे पास कितना है 2.5 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा ओनली 1 आ जाएगा, 1 × 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में R² डिस्टेंस कितना है भाई 15 का स्क्वायर 225 होता है। एक काम करो इसको 15 × 10^-4 लिख देना, इसका स्क्वायर करोगे ना यहाँ पुट करने पर ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 9 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 फिर 3 × 5 = 15 नीचे आ जाएगा 25, तो नीचे कितना आ गया 25 और 9 में से 6 गया 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, यानी इसको 100 × 10^5 अपॉन में 25 कर देना, 25 × 4 × 10^5 न्यूटन पर कूलम, इतना आंसर आना चाहिए 4 × 10^5 न्यूटन पर कूलम आएगा। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता ना तो मैं इसको जस्ट क्या करता, इलेक्ट्रिक फील्ड को R से डिवाइड कर देता तो मेरा आंसर तब भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे मैं R से डिवाइड ही नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। अगर दोनों का फील्ड सेम होता ना, सेम और एक ही डायरेक्शन में होता, तब मैं एक्चुअली में क्या करता, बस जो मेरा पोटेंशियल आ रहा था ना मैं उसको R से डिवाइड कर देता, जो भी दो पॉइंट जो भी यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं और जो पॉइंट उस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है ठीक है। तो बस आप ही देख लो इस तरीके की कैलकुलेशन है, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये भी सवाल बोर्ड में पूछा गया था, किसने किसी एग्जाम में आया भाई, कभी ना कभी पूछा गया, इसलिए सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं। तो सर आप तो सभी बोर्ड के क्वेश्चन करा रहे हो, ऐसा नहीं भाई, कुछ कुछ नहीं आए हैं जो मैं कहीं का भाई, कोई स्टेट कोई कर्नाटका बोर्ड में आया, कोई उड़ीसा बोर्ड में आया, कोई हरियाणा बोर्ड में आया, कोई राजस्थान बोर्ड में आया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम है उसमें भी पूछा गया, तो वही मैंने किए, कुछ नीट के सवाल भी मैंने इसके अंदर मिला रखे हैं, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा इसमें ना ये 5 आएगा यहाँ पे पावर में, सॉरी 5 आएगा, ये पावर 5 हो जाएगी यहाँ पे, 9 में से 6 गया 3 × 2 = 5 आएगी पावर भाई, पावर देख लेना भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, मेरी इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, बी पार्ट, इसका बी पार्ट करते हैं। अब अगला सवाल देखो यहां पे क्या बोलते हैं, यही सेम है, ये हमारे पास चार्ज है, चार्ज Q1 और Q2, ये पॉइंट ए हो गया पॉइंट बी हो गया, सेंटर से 90 डिग्री के डिस्टेंस पर, 90 डिग्री के एंगल पे 10 सेंटीमीटर यहीं से इसी पॉइंट पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 10 हो गया और ये कितना, ये 15 हो गया है ना, ये 15 है 10 है, टोटल यहाँ पे 30 था भाई सेंटर से, यहाँ पे 15 ये भी 15 हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, दोनों निकालना है इसमें। तो पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं, देखो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस, यहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल रहे तो ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये आर हो गया, तो यहाँ पे जो आर हो जाएगा √10² + 15² होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे है ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 + 225 यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा 325,
325 लगभग 18 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा, 324 का अंडर रूट 18 होता है, तो लगभग ये 18 के आसपास आ जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक, पहला पॉइंट जो इसी में पूछा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं हम, क्या निकाल रहे हैं पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, सॉरी क्या है, V1 प्लस V2, है ना, V1 प्लस V2, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड ड्यू टू चार्ज Q2। तो नाउ Q1 जो है यहां पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, KQ/R Q1, और दूसरा वाले भी KQ/KQ2/R, राइट, K/R कॉमन आ जाएगा दोबारा से, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, K की वैल्यू 9×10^9, R इसलिए मैंने सेम लिखा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे दोनों, राइट, ये जो Q1 चार्ज है यहां पे इतना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और Q2 चार्ज इस पॉइंट P पे इतना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। अब Q1 प्लस Q2 इन दोनों चार्ज को ऐड कर दो, कितना आता, 1.5 प्लस 2.5 चार हो जाएगा, 4×10^-6 अपॉन में R कितना आ जाएगा 18 × 10^-2, इसको कितना लिखोगे 18×10^-2 मीटर। भाई MKS सिस्टम में चेंज करोगे, भाई 9 × 18 2 × 4 तो कितना आ गया 2×10^9 3 × 2 कितना हो गया 5, सो 2×10^5 वोल्ट इसका आंसर आएगा। चलो अब निकालते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या करेंगे हम, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ये तो आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एट पी क्या आ जाएगा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक, अब देखो ये वाला चार्ज फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा, ये E1 हो गया, ये वाला चार्ज फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा, ये E2 हो गया, है ना। हाँ अब यहां पे दिक्कत आएगी आप लोगों को, ये जो कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट, अब जो हम निकाल रहे हैं, दिस इज द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये, ठीक है, मतलब इसमें थीटा निकालना ही भाई बहुत परेशानी वाला काम है इसके अंदर। अब थीटा कैसे निकाले इसके अंदर, बात वो है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर है तो रिजल्टेंट तो इसका ऐसे हो जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल जो इनके बीच में थीटा का एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा का, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, है ना, ये भी थीटा हो जाएगा, बट अब ये थीटा है लेकिन हमें नहीं पता थीटा की वैल्यू क्या है, हमें थीटा नहीं पता, और ये परपेंडिकुलर भाई सेम डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक काम करते 2θ ऐड कर लेते हैं, चलो थीटा रहने दो भाई, तो ये वाला एंगल θ/2 हो जाएगा और ये भी θ/2 हो जाएगा। अब दिक्कत आएगी कि आपको क्या निकालना है यहाँ पे, भाई यहाँ पे आपको cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इजीली निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E1² + A2² + 2E1A2 cos थीटा, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, लेकिन cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सवाल ये है, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो सिंपल सी बात है, cos थीटा बाई टू निकाल लो पहले, आप क्या निकालोगे, आप cos थीटा बाई टू का मतलब भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस कितना है 10, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 18 में दे रखी थी, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 10/18, ये 10 सेंटीमीटर, ये 18 हो गया, ये 10 है ना हमारे पास और ये वैल्यू कितनी 18 है, भाई ये 18 है और ये 10 दे रखी है, राइट, तो 10/18 का मतलब कितना हो गया, ये लगभग आ जाएगा 5/9, ठीक है, cos थीटा बाई टू हो गया। यहीं से आप क्या करो, हमें क्या निकालना है, cos थीटा होता है 2cos²θ/2-1, ये फॉर्मूला है याद कर लेना, ठीक है, सो 2 × cos θ/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/9 का स्क्वायर 25/81 और माइनस में 1, ठीक है, cos थीटा बाई टू 5/9 आ रहा है, इसका स्क्वायर करोगे 25/81 हो जाएगा, इसको इंटू कर लो 50 - 81/81 कितना आ जाएगा, ये 50 में से 81 घटा दो तो ये आ जाएगा -11/1 और 8 में से 5 गया 3 31/81, ओके, ये नेगेटिव में इसकी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू क्या करोगे आप, यहां पे पुट करोगे, तो भाई E1 और E2 की वैल्यू आपको यहां पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, E1 क्या आ जाएगा KQ1/R², ठीक है, और K की वैल्यू 9×10^9 और Q1 कितना है हमारे पास, Q1 है हमारे पास 1.5×10^-6 और अपॉन में R², R कितना 18 है ना, तो R की वैल्यू तो 18 × 10^-2 का स्क्वायर कर दो,
इसको एक काम करो, दो बार लिख दो, 18 इंटू में 18 इंटू 10 की 18 इंटू 18 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 ऐसे लिख देते हैं इसको। देखो 9 दुनी 18 ठीक है, और 0.5 और 3 छिक 18 राइट, तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 10 की पावर 9 में से 6 गया 3, 3 और 4 7 हो जाएगा, 1 यहां से आ जाएगा तो 6 बचे गई ठीक है, 1 यहां से कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसके डेसिमल हटा दिया, 5 बटे कितना हो गया 12 हो गया, 5/12 तो इसका आ गया आंसर। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, कट रहा है तो ये आ जाएगा 0.12 से काटोगे 0.12 × 48 दो जीरो, 12 × 1 = 12 8 जीरो और मतलब 4.2 लेट कर लो, 4.2 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम ओके, पहला तो ये आ गया। ऐसे आप E2 कैलकुलेट कर लो, E2 क्या आ जाएगा K Q2 / R² 9 × 10⁻⁹ Q2 कितना है यहाँ पे, Q2 की वैल्यू है हमारे पास 2.5 × 10⁻⁶ अपॉन में R² सो 18 × 18 में 10⁻⁴ ये भी ऐसे हो जाएगा। इसको काट लो, 9 दुनी 18 और तो कटेगा नहीं, खैर ये तो नहीं कट रहा है तो कोई नहीं, तो ऊपर 25 इंटू में 9 में से 6 गया 3 और 4 7 और एक डेसिमल यहां से हटेगा तो 6 आ जाएगा, ये 25/18 × 36 ठीक है। इसको एक काम करते, पहले 9 से काटते हैं, 9 × 36 9 × 18 = 18 7 0 और 9 × 7 = 63 ठीक है, ठीक है इतना ही छोड़ दो, 4 से काटोगे, 4 से काटोगे कितना आ जाएगा 4 × 6 = 24 0.6 और बचा 3 × 24 = 3 0 4 × 7 = 28 × 10⁶ यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे 6.7 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब देखिए यहां पर आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, E1 की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 4.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, E2 की वैल्यू आ जाएगी 6.7 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम ओके। चलो इसको इरेज कर देते हैं, E1 E2 आ गया, cos थीटा भी आ चुका है हमारे पास। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4.2 का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर कर दो 16, 16 × 10⁻⁶ प्लस 6.7 का मतलब 7 लेट कर लो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इंटू में 10⁻⁹ माइनस में इन दोनों के इंटू करोगे 7 × 4 = 28 और 2 × 28 इंटू में 10⁻⁹ और इंटू में कितना है माइनस इंटू में 31/81 ठीक है, माइनस लगा दिया पहले से मैंने वहां पे। अब सॉल्व करो इसको, कैलकुलेशन है ना टफ इसकी, 28 × 56 ठीक है, 28 × 56 = 81 है, 56 और 81 का कोई लेन देन है, 56 56 56 56 27 × 54 होता है ना, तो देखो इसको ना लेट कर लो कि 27 है, 27 × 81 2/3 हो गया ठीक है, और इसको ऐड कर लो 16 और 9 49 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 हो जाएगा इंटू में 10⁻⁹ माइनस इसको सॉल्व कर लो 0.67 × 10⁻³ और 31 भी है भाई, 31 भी है यहाँ पे तो 3 से 10 पे कट जाएगा 10 × 20 सो 20 × 10⁻⁹ ठीक है, 65 में से इसको हटाओ अंडर रूट क्या आ जाएगा 55 × 10⁻⁹ और 55 किसका स्क्वायर रूट होगा लगभग किसके 49 के आसपास है ना, 7 × 7 = 49 7.6 लेट कर लो इंटू में 10⁵ न्यूटन पर कूलम भाई, ऑलमोस्ट इतना आंसर होना चाहिए ठीक है, और डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग ओपी, देख लेना ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इसकी वजह से हो जाता है, इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी है। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, आज की क्लास यहीं तक है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और उसी पे बेस्ड ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स ठीक है भाई, न्यूमेरिकल के बिना तो मजा आता ही नहीं है फिजिक्स में, फिजिक्स से ना अगर न्यूमेरिकल्स आप करते हो तो फिजिक्स को ना अंदर से जानने का मौका मिलता है, उसके अंजर पंजर मैकेनिज्म मशीन कैसे काम कर रही ये समझने को मिलता है। सो गाइस लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो और जी तोड़ से मेहनत कीजिए। सो आज की क्लास यहां तक, टाटा।